विद्यार्थी मित्रों अपने आज प्रकरण चार चालू करिए छे एकाउंट भाग एक में अगाउ तमने पागड़ी नु मूल्यांकन एनी अंदर जे लेसन आप्यु छे ए तमाम दाखलाओं ने जोजो दरेक पागड़ी मूल्यांकन नी रीतो प्रमाणे दाखला गणजो अने ए दाखला में जो ना समझ पड़े तो पर्सनली कॉन्टेक्ट करी सको छो। हवे आजे प्रकरण चार में भागीदारी नु पुनर्गठन, तो भागीदारी नु पुनर्गठन नी अंदर भागीदारी नु पुनर्गठन करवा माटे एना फेरफार करवा माटेना जे कारणों छे ए कारणोनी वात करिए तो चालू भागीदारों वच्चे नफा नुकसानी फाळवणीना प्रमाणमां फेरफार करवामां आवे। के नफा नुकसाननो फेरफार करवामां आवे तो एवा संजोगोमां पुनर्गठन करवानो वारो आवे, पछी भागीदारी पेढीमां नवा भागीदारनो शुं थाय प्रवेश थाय, अने त्यार पछी कोई भागीदारीनो मृत्यु थाय अथवा तेनी निवृत्ति थाय ए संजोगोमां। तो फेरफारना कारणो त्रण छे, एक तो चालू भागीदारों में नफा नुकसान फाळवणीनो प्रमाण बदलाय, भागीदारी पेढ़ी में नवा भागीदारनो शुं थाय प्रवेश थाय, अने चालू भागीदारी में कोई भागीदारी निवृत्त के भागीदारी शुं थाय भागीदारनो मृत्यु थाय। हवे चालू भागीदारों वच्चे नफा नुकसानी फाळवणी के वेचनीना प्रमाण में फेरफार, तो ये फेरफार कई रीते थाय, तो ये भागीदारों परस्पर शुं संमतिथी फेरफार करी शके बराबर। हवे नफा नुकसान फाळवणीना प्रमाणमां नीचेना कारणसर फेरफार थई शके छे। एक तो तेना कोई भागीदार पेढीनुं संचालन करतो होय, एनी तबियत नादुरस्त होय अथवा तो ए आगळ संचालन करी शके तेम न होय त्यारे, पछी कोई धंधा माटे पूरतो समय भागीदार फाळवी शकतो न होय बराबर। पछी जूना भागीदार शुं थाय निवृत्त थाय अथवा तो मृत्यु थाय, त्यार पछी नवो भागीदार पेढीमां प्रवेश करे, तो ए संजोगोमां आ वस्तु अमलमां बने। फेरफार थाय त्यारे शुं थाय, जूनो भाग ओछा नवो भाग एनो ए करवू पड़े, अने त्यागनुं प्रमाण अने लाभनुं प्रमाण शोधवुं पड़े। तो त्यागनुं प्रमाण शोधवा माटे तमारे भागीदारे करेलो त्याग शोधो, तो जूनो भाग ओछा नवो भाग, अने एना जे उदाहरणो छे ए उदाहरणो तमारे बधाए शुं करवा पड़े समजवा पड़शे। तो जूनो भाग ओछा नवो भाग करी अने तमारे शुं त्यागनो भाग तमारे शोधवो पड़े, अने ए ज रीते आगळ लाभनुं प्रमाण पण तमारे शोधवुं पड़े। लाभनुं प्रमाण आ रीते शोधवानुं छे के लाभनुं प्रमाणमां नवो भागमांथी जूनो भाग शुं करवो पड़े, बाद करवो पड़े, अने ए रीते तमारे आगळ वधवुं पड़े। तो आ जे उदाहरणो छे ए उदाहरणो तमारे खास जोवाना छे, अने उदाहरणो प्रमाणे तमारे शुं करवानुं छे आगळ वधवानुं छे बराबर। અને અહીંયા જે તમને સ્વાધ્યાયમાં નાના નાના દાખલા આપ્યા છે, દાખલાઓ તમારે શું કરવાના છે, ઘરે ગણવાના છે, એ તમને અહીંયાથી હું કહી દઉં કે કયા કયા દાખલાઓ તમારે ગણવાના છે। તો પહેલા તો આ જે છે વિકલ્પ પ્રશ્ન એક, એ તમારે બધું શું કરવાનો છે, લખી નાખવાનો છે। બીજો પ્રશ્ન એ પણ તમારે શું કરવાનો છે, લખી નાખવાનો છે। ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર તમારે ત્યાગનો પ્રમાણ અને લાભનો પ્રમાણ એનો તફાવત એકલો લખજો, બાકી કંઈ નહીં લખો તો ચાલશે। અને આની જે આમ નોંધ લખવાની છે પુનઃમૂલ્યાંકનની, એ પુનઃમૂલ્યાંકનની આમ નોંધ, પછી આ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ સુધીના દાખલા તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના છે। ચાર પાંચ છ સાત આઠ અને નવ બરાબર, આ દાખલાઓ તમારે શું કરશો હોમવર્કમાં ગણી લેશો। પછી દસમા દાખલાથી આપણે એનું જે પુનઃમૂલ્યાંકનના જે દાખલા છે પાકા સરવૈયા બનાવવાના, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું બનાવવાનું, એ વસ્તુ આપણે આગળ શીખીશું। ત્યાં સુધી આપણે રજા લઈએ, આવજો।